वेलकम बैक इन UandI फ्रेंड्स। काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स इंक्वायरी कर रहे थे किया सेल्टोस के आपके सस्पेंशन टेस्ट को लेकर के। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है उबड़ खाबड़ रास्तों में, रोड ब्रेकर्स के ऊपर, एंड अंदर बैठे हुए बंदे को जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है या फिर जो बैठा हुआ है को ड्राइवर सीट पे, उसे कैसा फील होता है जब आपकी गाड़ी गुजरती है किसी गड्ढे से या फिर आपके रोड ब्रेकर के ऊपर। इसके अलावा आपको मैं दिखाऊंगा रोड ब्रेकर के ऊपर आपका जो टायर एंड क्लैडिंग के बीच का गैप है वो कितना बचता है, एंड जो काफ़ी सारे व्यूवर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि किया सेल्टोस का जो आपका सस्पेंशन है वो इतना ज़्यादा फर्म है, गड्ढों का एहसास होता है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। इससे पहले मैं आपको दिखाना स्टार्ट करूं वीडियो, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार्ड से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज UandI के वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगी वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी हेल्प करती हैं बेहतर गाड़ी को डिसाइड करने में। आपको मिलती हैं लेटेस्ट कार केयर टिप्स एंड आपको बताता हूं मैं बेस्ट इन क्लास कार एक्सेसरीज के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फॉर्चुनेटली मुझे टूटी हुई रोड मिल गई, यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं टूटी हुई रोड पे गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है। बिल्कुल मैंने जब गाड़ी को ड्राइव किया ये स्मूथ बटर की तरह चल रही थी, एंड मेरे को कार को राइट या लेफ्ट मोड़ने में या बैक करके दोबारा निकालने में कोई परेशानी हुई नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरी रोड टूटी हुई है। प्लीज़ अपनी कार से ये एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, बट बिकॉज आप लोग नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आपकी गाड़ी किस किस एरिया में जा सकती है एंड आप कैसे चला सकते हो। रास्ता काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें इतना अभी रोड वगैरह बनी नहीं है, गाड़ी अपनी हिलना स्टार्ट हो चुकी है। कार को मैंने सेकंड गियर पे कर रखा है, मुझे लगता है आगे जाकर के मेरे को पहले गियर पे गाड़ी को शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे रोड है ही नहीं, सारा है मिट्टी का रास्ता है, इसमें कीचड़ है आपका एंड बहुत उबड़ खाबड़ जैसा आप सामने बस को भी देख पा रहे हो वो हिलते हुए जा रही है। तो अब मैंने कार को पहले गियर पे शिफ्ट कर दिया है। काफ़ी सारे जो व्यूवर्स कंप्लेन कर रहे थे या जिनकी इंक्वायरी थी कि गाड़ी पहले गियर में उबड़ खाबड़ रास्तों में कैसे परफॉर्म करती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये रास्ता बहुत ख़राब है आपका। पहले गियर में गाड़ी के अंदर अभी किसी भी तरह की कोई साउंड वगैरह नहीं है। रही बात गड्ढों के एहसास की, मुझे सो फार कोई ऐसा गड्ढे का एहसास हो नहीं रहा। इससे पहले मैं चला चुका हूँ इसी रास्ते पर क्रेटा को, आपके महिंद्रा के XUV 300 को भी, एंड इस गाड़ी का परफॉर्मेंस उन दोनों गाड़ियों के कंपेयर में एट पार है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हाँ हम खराब गाड़ी में बैठे हैं या फिर गाड़ी के सस्पेंशन में कुछ ऐसी इशू है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपने पहले गियर में गाड़ी को चलाया, भले ही वो XUV 300 हो या फिर वो आपकी इको स्पोर्ट्स हो या फिर वो आपकी हो क्रेटा, सबकी परफॉर्मेंस एट पार रहने वाली है। सामने से फॉर्च्यूनर जा रही है, फॉर्च्यूनर का मुझे पता नहीं बिकॉज उसको मैंने टेस्ट अभी नहीं किया है, आगे करूँगा तो बताऊँगा आपको मैं। सारे व्यूवर्स फ्रेंड्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको मैं कार का हॉर्न सुनाऊं अंदर से, तो ये आपके हॉर्न की आवाज़ है और ये आपका गड्ढा है। गड्ढे के अंदर मैंने गाड़ी को थर्ड गियर में करके निकाला है, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं हुआ फ्रेंड्स कि मैंने किसी गहरे गड्ढे में से गाड़ी को निकाला हो। आगे आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, और भी गड्ढा आने वाला है। जैसे ये गड्ढा है अभी आपका, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। गाड़ी हमारी वैसे भी अभी 70 की स्पीड पे है, गड्ढे में से थोड़ा तो स्पीड कम करनी ही पड़ती है, बट कोई बोले कि नहीं गड्ढे की वजह से आपकी गाड़ी का जो ये सस्पेंशन है वो बेकार है, तो ऐसा नहीं है। अंदर बैठे हुए बंदे को इतना कुछ फील नहीं हो रहा, जितना फील होना चाहिए उतना ही हो रहा है। तो जो बोल रहे हैं कि सस्पेंशन बहुत फर्म है बहुत हार्ड है, उनकी ये गलतफहमी है। एग्जाम्पल आपको मैं इस बात से दूंगा कि आपने अगर कोई जीन्स भी नई खरीद के पहनी है तो पहली बार में टाइट लगती है, आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे पहनते आते हो वही आपको फ्लेक्सिबल लगने लगती है। तो गाड़ी अभी नई है, सस्पेंशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, आपने उसको रोड पे चलाना स्टार्ट किया है, तो नॉर्मल सी बात है हल्का सा आपको टाइट लगेगा, बट वो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम आपका हार्ड ही रहने वाला है, वो भी यूज टू होगा। जितना वो आप गाड़ी चलाओगे उतना वो फ्लेक्सिबल आपके लिए होता जाएगा, एंड सर्विस का भी काफ़ी फर्क पड़ता है इस बात के ऊपर। स्टिल अगर आपको लगता है कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हो एंड आपको लगता है कि सस्पेंशन फॉर्म है, तो उसको और सॉफ्ट बनाने के लिए आप टायर्स के अंदर नाइट्रोजन डलवा सकते हैं। नाइट्रोजन डलाने के बाद गाड़ी की जो बबलिंग है, जो जंपिंग होती है रोड पे, वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो नाइट्रोजन एक बेस्ट वे है, अगर आपकी सिटी में नाइट्रोजन आपके यहाँ पे पेट्रोल पंप ऑफर करते हैं करवा सकते हैं। बाकी एक गड्ढा आपका ये भी है, इसमें से गाड़ी को मैं निकालता हूँ, ये निकाला मैंने, मुझे कुछ खास इसमें फील नहीं हो रहा और गाड़ी ऑसम चल रही है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ इसमें आपको सोचने की ज़रूरत है 1% भी कि गाड़ी का सस्पेंशन ए समथिंग कि आप उसकी वजह से गाड़ी परचेज ना करो, वो भी किया सेल्टोस जैसी। जो पसंद है आराम से लीजिए, यूज़ करते जाएंगे, सस्पेंशन आपका सॉफ्ट होगा,
आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ यूज एंड आपका जो सर्विस है उसकी वजह से सर्विस होने के बाद एंड अगर आप नाइट्रोजन डलवा लोगे गाड़ी के अंदर तो फिर और बेटर ही होने वाला है। फ्रेंड्स मिट्टी वाले रास्ते पे गाड़ी चढ़ा करके बैक करके दिखाना मेरे को जरूरी लगा, इसलिए मैंने इसको बनाया है ताकि आप समझ सको गाड़ी कहाँ कहाँ जा सकती है आपकी। हाई स्पीड में रोड ब्रेकर पे गाड़ी कुछ ऐसी लगती है। रोड ब्रेकर है, मैं आपको रोड ब्रेकर भी कवर करके दिखा देता हूँ। अभी आपको पहले मैंने दिखाया था एक्सटीरियर से रोड ब्रेकर, अभी आपका ये इंटीरियर से है। गाड़ी सेकंड गियर पे रोड ब्रेकर क्रॉस कर चुकी है। ये जो आपको आवाज आई अभी ये हैंगिंग की है, कार के अंदर मैंने हैंगिंग टंगा हुआ है उसकी आवाज है ये, बाकी गाड़ी के अंदर और कोई भी एबनॉर्मल साउंड नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा आपको मैं ऑफ रोडिंग करके दिखा देता हूँ दोबारा, पहले वैसे मैं कवर कर चुका हूँ। गाड़ी हमारी सेकंड गियर पे आराम से चल रही है एंड हमें कोई इसमें ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा कि हाँ गाड़ी की पावर कम है या ऐसा कुछ है। गाड़ी की आपकी जो स्पीड है अभी वो है 30 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी को मैंने अब सेकंड गियर पे कर दिया बिकॉज ज़्यादा ही खराब रोड है ये, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। तो ऐसा है, जो आपके फ्रेंड्स या प्रोस्पेक्टिव बायर्स बोलते हैं कि गाड़ी का सस्पेंशन फर्म है तो उनको मेरा रिप्लाई अभी रहेगा कि कोई भी आप नई चीज़ लोगे तो फर्म सस्पेंशन होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आपको पहले ही फ्लेक्सिबल मिल गया तो फ़ायदा क्या है, ये सब अगर टाइम के साथ धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शॉकर की सर्विस के बाद या यूज़ करने के बाद तो उसको ही नेचुरल माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको तब भी सस्पेंशन लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, गाड़ी में नाइट्रोजन डलवा लीजिए। नाइट्रोजन डलवाने के बाद गाड़ी की बबलिंग एंड जंपिंग काफ़ी कम हो जाती है। वैसे इसको मैं अभी अगर कंपेयर करूँ सस्पेंशन के मामले में क्रेटा एंड एक्सयूवी 300 से एंड आपके इको स्पोर्ट से, तो मैं फुल रेटिंग दूंगा किया सेल्टोस को। जो भी र्यूमर्स हैं बिल्कुल गलत हैं, होता क्या है कोई गाड़ी अगर मार्केट में डिमांड में है तो कॉम्पिटिटर्स भी ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ वो नेगेटिव पॉइंट निकालें। गाड़ी में कुछ कमी नहीं निकली तो उन्होंने सस्पेंशन का निकाल दिया कि सस्पेंशन खराब है किया सेल्टोस का, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। आपको ऑलरेडी मैं गाड़ी चला के दिखा चुका हूँ।